नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। आमतौर पर नेता और बाबा और कारोबार से जुड़े लोग जेड और वाई श्रेणी की सुरक्षा को लेकर ललायत रहते हैं। कई तो इसे अपनी शान तक समझते हैं और सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार पर दबाव तक बना डालते हैं। उत्तराखंड सरकार ने वीवीआईपी और वीआईपी की सुरक्षा की समीक्षा के बाद कुछ नए नाम जोड़े हैं। खास बात यह है कि कुल 16 लोगों को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। साथ ही बढ़ाई गई इस सुरक्षा में अब तक विशेष सुरक्षा प्राप्त बाबाओं की संख्या कम थी। इस बार सांसारिक सुखों के त्याग का पर्याय माने जाने वाले बाबाओं और सन्यासियों की संख्या बढ़ गई है। वहीं कांग्रेस ने त्रिवेंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जनता की गाढ़ी कमाई इन बाबाओं की सुरक्षा के लिए क्यों खर्च की जा रही है। कर्ज में दबे उत्तराखंड के खजाने को और खाली करने के लिए राज्य के गृह विभाग ने एक और लिस्ट बनाई है। ये लिस्ट जनता के लिए नहीं बल्कि बाबाओं और नेताओं को दी जाने वाली सुरक्षा की है। हालांकि इन सब के बीच एक ऐसे नेता भी जिन्होंने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है। एक स्पेशल रिपोर्ट देखें। संतों और नेताओं की बढ़ेगी सुरक्षा, उत्तराखंड राज्य गृह विभाग ने बनाई लिस्ट। गृह विभाग की सुरक्षा समीक्षा बैठक में लिया गया निर्णय। साधु संतों को मिलेगी वाई श्रेणी की सुरक्षा। कांग्रेस ने बाबाओं और संतों को सुरक्षा देने पर उठाए सवाल। केंद्र में बीजेपी सरकार आने के बाद वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए केंद्र और सभी राज्यों में बीजेपी ने लाल बत्ती हटाने, सुरक्षा कम करने और गाड़ियों के काफिले कम करने के लिए अपने नेताओं की ताकीद की। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया नेताओं की दोबारा धमक दिखने लगी। उत्तराखंड में भी इसका असर दिखाई शुरू हो गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने संतों को कैबिनेट में दर्जा देकर उन्हें विशेष सुविधा क्या दी। उसी राह पर चलते हुए उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने भी संतों को वाई श्रेणी की सुरक्षा देकर ये बता दिया कि राज्य भले ही कर्ज तले दब जाए लेकिन संतों और हारे हुए नेताओं के अच्छे दिनों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। गृह विभाग की सुरक्षा समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया गया कि हरिद्वार में कुछ संतों को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। जो किसी व्यक्ति को जो सुरक्षा की आवश्यकता होती है, अगर जैसा उसका थ्रेट परसेप्शन होता है सुरक्षा के संबंध में, तो उसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है और उस निर्धारित प्रक्रिया के पश्चात जब शासन में रिपोर्ट आती है तो उसके आधार पर शासन निर्णय लेता है और तदनुसार उस व्यक्ति को वो सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल को जो सुरक्षा दी जाती है सरकार के द्वारा निःशुल्क, वो वैसे लोग होते हैं सामान्य तौर पर जो किसी संवैधानिक पदों पर रहते हैं या जिनको कोई जीवन भय का रहता है। राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की गई समीक्षा बैठक में अनेक व्यक्तियों के नाम काटे गए और कुछ व्यक्तियों के नाम जोड़े गए हैं। इनमें 16 व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिनकी सुरक्षा की समीक्षा की गई है। विशेष सुरक्षा व्यवस्था किए जाएंगे जारी। महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, समस्त पूर्व मुख्यमंत्री गण, न्यायाधीश गण, बाबा रामदेव, भोले जी महाराज, मंगला माता, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद, शंकराचार्य वासुदेव नंद सरस्वती, शंकराचार्य राजेश्वर आश्रम, धर्मवीर शर्मा, रमानंद हंस देवाचार्य, योगी आदित्यनाथ के माता पिता, रिटायर्ड जज, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट शामिल। जबकि पहले की भांति ही मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश गण को जेट प्लस सुरक्षा दी गई। वहीं धर्मवीर शर्मा, रिटायर्ड जज, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद को जेट दी गई। इनमें से कुछ लोगों को ये सुरक्षा और स्कोर्ट सिर्फ राज्य प्रवास पर ही दी जाएगी। उत्तराखंड में भले ही वाई श्रेणी और जेट श्रेणी की सुरक्षा लेने के लिए नेताओं में होड़ मची है, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा नेता भी है जिसने वाई श्रेणी की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है। नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने
राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर वायु श्रेणी की सुरक्षा लेने से मना किया है। वहीं दूसरी तरफ अब नेताओं और बाबाओं को सुरक्षा दिए जाने को लेकर कांग्रेस के नेता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये है कि क्या गृह मंत्रालय के पास ऐसे कोई पुख्ता जानकारी है कि जिन लोगों को जेड श्रेणी की सुरक्षा या वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही है उनको उस तदनुसार जो है खतरा है। ये तो विश्लेषण करना का काम जो है गृह मंत्रालय का है। मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही जो है सरकार द्वारा कार्रवाई की जाती है। सरकार ने इन तमाम चीज़ों को देखा होगा, ये सरकार स्पष्ट करे। कलयुग में तो जो होगा ढोंगी और भोगी वो जोगी कहलाएगा, तो ऐसे लोगों को सुरक्षा देना और ख़ासतौर पर ऐसी सरकार द्वारा जो स्वयं बहुत बड़ा ढोंग और प्रपंच करती है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। सारे राज्य के जितने बाबा हैं रामदेव से लेकर के और जितने देव हैं उनको सबको सुरक्षा देनी चाहिए, खूब रक्षा करनी चाहिए उनकी। इन्हीं को तो खतरा है। बाबा लोग तो कंदराओं में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, शेर से और बाघ से और बड़े बड़े जानवरों से नहीं डरते थे। तो आज के बाबाओं को तो डर लग रहा है और उनको सुरक्षा चाहिए। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि वीआईपी सुरक्षा में कितने रुपए खर्च होते हैं। सुरक्षा में करोड़ों रुपए होंगे खर्च। वाई श्रेणी में 11 सुरक्षा कर्मी होंगे तैनात। सुरक्षा पे 48,60,000 रुपए महीना का खर्च होगा। एस्कॉर्ट का खर्चा, टीएडीए का खर्चा अलग से शामिल। जेट प्लस सुरक्षा में 36 सुरक्षा कर्मी शामिल। एक महीने का खर्च करोड़ों रुपए। अब सवाल ये है कि क्या हकीकत में शांति और अहिंसा की बात करने वाले संतों और बीजेपी के नेताओं को इस सुरक्षा की क्या वाकई में जरूरत है? सुरक्षा में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, ऐसे में जनता की गाड़ी कमाई के इस पैसे का नेताओं की सुरक्षा पर खर्च किया जाना कहां तक सही है, ये एक अहम सवाल है। न्यूज इंडिया के लिए देहरादून से संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट। तो सवाल उठता है कि आखिर बाबाओं पर करोड़ों रुपए की सुरक्षा का खर्चा क्यों? सवाल उठता है कि जो बाबा सुख शांति और सांसारिक सुख को छोड़ चुके हैं, ऐसे बाबाओं को आखिर खतरा किससे है? उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा क्यों मुहैया कराई जा रही है जबकि उत्तराखंड सरकार बड़े कर्ज के तले दबी हुई है? इस वक्त उत्तराखंड से हमारे गौरव गुप्ता स्टेट हेड उत्तराखंड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, बड़ा सवाल यह है कि बाबाओं को सुरक्षा दी जा रही है, पहले तो क्यों दी जा रही है, दूसरा क्या इन बाबाओं को कोई बड़ा खतरा है जो सरकार के पास इसकी जानकारी है? देखिए भानु, मैं सबसे पहले ये स्पष्ट कर दूं कि आज ये विषय हम लोग इसलिए लाए हैं क्योंकि उत्तराखंड की जो त्रिवेंद्र सरकार है वो जीरो टॉलरेंस में ये कहना चाहती है कि वो गार्ड गनर जैसे अतिरिक्त खर्चे लोगों को शोबाजी के लिए नहीं देगी। पिछले एक साल में अगर बात करें भानु, तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तक का गनर हटा लिया गया था, मगर मौजूदा समय में जो जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि गृह सचिव, महानिदेशक और मुख्य सचिव की एक कमेटी मिलकर डिसाइड करती है कि वायु श्रेणी, जेट श्रेणी या किस श्रेणी की सुरक्षा किसको दी जाए, मौजूदा समय में जो अवलोकन और गहन चिंतन मनन और समिति के बाद आकर जो निर्णय आया है उसमें चौंकाने वाली चीज ये है कि मंगला माता, भोले महाराज, ये वो व्यक्ति हैं जो हंस फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं, कई करोड़ रुपया चैरिटी सरकार को देते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, इनको वायु श्रेणी की जो है सुरक्षा दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये बैकडोर से सुशोभित तो नहीं कर रही है सरकार ऐसे लोगों का रसूख बढ़ाकर, क्योंकि जब ये लोग राजे तो इनके गार्ड लगेगा, गनर लगेगा, एस्कॉर्ट लगेगी, लाखों लाख रुपए के खर्चे, इसलिए क्योंकि ये लोग बड़े लेवल पर सरकार को चैरिटी करते हैं। इसके अलावा भानु, जो दूसरी लिस्ट हम देख रहे हैं कि जिसमें अजय भट्ट, जिनका किसी समय यह हवाला देकर कि गनर भी वापस ले लिया गया था, उनको वायु श्रेणी में डाल दिया गया है। अभी वो अमेरिका दौरे पर हैं, उनसे बात करने का हमने प्रयास किया था। और इसके अलावा जो महामंडलेश्वर हैं, जो पीले वस्त्र धारण करे साधु महाराज हैं, उनको वायु श्रेणी में दिया गया है। तो आखिर ये कौन सा चश्मा है जो समिति के बाद इन लोगों पर खतरा दिया जाता है, जबकि जो हमने जानकारी जुटाई है भानु, सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें जान का खतरा है, जो चोटिल हुए हैं, उनको सरकार पेड सुरक्षा दे रही है, यानी उनसे खर्चा लेती है तब पेड सुरक्षा देती है। ऐसे लोग जो लोग सैकड़ों करोड़ की चैरिटी कर रहे हैं इनको भी पेड सुरक्षा दे दी जाए, अगर इनको जान का खतरा है तो इनको पेड सुरक्षा दे दी जाए, निःशुल्क सुरक्षा देने के क्या मामले बनते हैं? जी जी
बता दूं कि उत्तराखंड के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि जब किसी पार्टी के अध्यक्ष को इतनी बड़ी सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है अजय भट्ट को। बता दूं आपको कि इनको 22 श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी, जबकि जैसा कि गौरव बता रहे हैं कि एक वक्त था जब उनका गनर भी हटा लिया गया था, और जब जहां कई लोगों को सुरक्षा की जरूरत है वहां पेड़ सुरक्षा दी जा रही है। ऐसे में अगर बात उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड बड़े कर्ज के तले इस वक्त डूबा हुआ है, ऐसे में ये करोड़ों की सुरक्षा क्यों? गौरव आपसे जानेंगे कि किसान जहां कर्ज के लिए मोहताज है, किसान तिल तिल कर मर रहा है, वहां पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा, और ऐसे में करोड़ों रुपए की सुरक्षा सिर्फ बाबाओं को दे दी जा रही है। देखिए, एक कड़वा सच मैं और सामने रखता हूं दर्शकों के अपने, कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पुलिस की इतनी कमी है, अगर दबिश पे जाना हो, कोई आपराधिक घटना घट गई है, किसी का पिता बेटा भाई बहन खो गया है, तो कई बार पुलिस वाले उसी परिवार से पैसा लेकर जो है दबिश। हमारे साथ जीवन चंद्र पांडे, रिटायर्ड IPS, और गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस के, जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद जी। जीवन चंद सर, आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड में पुलिस की कमी है, पुलिस के जवानों की, आम जनता को सुरक्षा मुहैया नहीं हो पा रही है, अपराधों पर लगाम लग नहीं पा रही है, तो ऐसे में बाबाओं की सुरक्षा देना कितना सही है? देखिए, जहां तक सुरक्षा देने का प्रश्न है किसी भी व्यक्ति को, तो सुरक्षा उसको उसी समय दी जाती है जब उसको सुरक्षा के प्रति कोई खतरा समझ में आता है। और तो क्या सरकार के पास ऐसा कोई पुख्ता जानकारी है कि उनको जान का खतरा है? जिन लोगों को 16 नाम बढ़ाए गए हैं जिनको सुरक्षा दी गई है, तो क्या 16 सभी को जान का खतरा ही है? अब इस विषय में तो मैं इस समय इस कारण कुछ नहीं कह सकता कि मैं करीब 4.5 वर्ष पूर्व रिटायर हो चुका हूँ जी, तो इस समय किन परिस्थितियों में दी गई है इनको सुरक्षा मैं नहीं कह सकता। मैं तो सुरक्षा के सामान्य जो नियम है सुरक्षा देने के, उस पर मैं कुछ कह सकता हूँ अगर आप कहें तो। जी 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 सर, तो इस वक्त ये सुरक्षा देना कितना सही है बाबाओं को, जबकि उत्तराखंड कर्ज में भी है? नहीं, अगर किसी को, किसी की जान माल को सुरक्षा का खतरा नहीं है, तो फिर निश्चित रूप से उन्हें सुरक्षा दिया जाना एक किसी भी प्रदेश के लिए बहुत ही हानिकारक है जी। इस वक्त हमारे साथ अनिल डब्बू, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने कई बाबाओं को जेड और वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी है, जबकि उत्तराखंड में जवानों की कमी है। क्या ऐसे में जब उत्तराखंड करीब 41,000 से ज्यादा के कर्ज में डूबा हुआ, 41,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज में जब उत्तराखंड डूबा है, ऐसे में ये करोड़ों रुपए का खर्चा बाबाओं की सुरक्षा पर आखिर क्यों? देखिए, ऐसा है कि जहां आवश्यक खर्चा होता है, मैं समझता हूं कि सरकार उस पर चिंता करते हुए जिनको अति आवश्यक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, और निश्चित रूप से पूरे समाज में जो वातावरण है, कभी कभी स्थिति यह है कि पता लगा आप कल को कहते हैं कि प्रधानमंत्री को सुरक्षा की जरूरत नहीं है, आतंकवादी चारों ओर से घेरे पड़े हैं, और जरा देर में भी कहीं संदेश खराब करने की स्थिति पैदा रहती है। उत्तराखंड में अनावश्यक रूप से त्रिवेंद्र जी की सरकार ने किसी को भी सुरक्षा नहीं दी है, लेकिन जो कहीं आवश्यक है और लगता है कि भाई इस व्यक्ति की जान पर खतरा है, व्यक्ति के साथ अगर कुछ हादसा होता है तो निश्चित रूप से पूरे समाज का वातावरण खराब होगा, समाज में स्थितियां खराब होंगी, तो उसको सुरक्षा देने की आवश्यकता होती है, तो सरकार देती है जी। गोविंद जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस ने इसे एक गलत परंपरा करार दिया है जी। देखिए, मैं ये मानता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा खतरा कहीं पैदा हो गया है और इसके प्रमाण सरकार के पास उपलब्ध हैं, तो उस व्यक्ति की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, अन्यथा अनावश्यक रूप से एक शौक के कारण किसी को हम सुरक्षा मुहैया कराएं ताकि उसको अपना कद बड़ा समझे वो व्यक्ति, तो ये परिपाटी हमारे देश में चली हुई है जो नुकसानदायक है। से अनावश्यक रूप से सरकार का धन खर्च हो रहा है जी। गौरव ये बताइए कि उत्तराखंड में जब करोड़ों रुपए सुरक्षा पे खर्च कर दिए जाते हैं,
लेकिन किसान बेहाल होता है, मौसम की मार एक तरफ झेल रहा है, जी गौरव। देखिए भानु, मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस में नारायण दत्त तिवारी की जब सरकार थी, 300 से ज्यादा लाल बत्तियां बटी थी और हर व्यक्ति जो राज्य मंत्री बना था वो दो दो तीन तीन गनर लेकर घूम रहा था। अगर बीच में भाजपा की खंडूरी सरकार और निशंक सरकार की कहें तो उसमें जरूर ये सुरक्षा को लेकर थोड़ा सा देखा गया था कि लोगों को सुरक्षा व्यवस्था मिलने में मशक्कत करनी पड़ी। मौजूदा समय में सवाल इसलिए उठ रहा है भानु कि अब तक त्रिवेंद्र सरकार एक गनर देने में भी कोताही जो है महसूस करा रही थी। प्रदेश अध्यक्ष को एक गनर तक मिलना मुश्किल हो रहा था और उनके खुद के बयान थे, मगर मौजूदा समय में आप ये देखिए 22 श्रेणी की सुरक्षा दी गई। ऐसे में हम अनिल बलूनी जैसे लोगों को भी देखेंगे कि जो राष्ट्रीय फलक पर है उनको सुरक्षा दी गई और उन्होंने वापस कर दी। हालांकि ये इंटेलिजेंस का एक रिपोर्ट होता है, अगर किसी पर भी किस तरह से अगर पता चलता है कि रिपोर्ट में कमेटी में ये है तो उसको सुरक्षा दी जाती है और कई बार लोग मना करते हैं मगर उसके बावजूद भी दी जाती है। मगर सवाल यहाँ पर पीले वस्त्र धारण करे वो लोग जिन्हें आज तक ऐसी सुरक्षा नहीं मिली, और दूसरा सवाल पेड सुरक्षा भी होती है। मैं यहाँ पर उदाहरण के साथ कह सकता हूँ कि जो हंस फाउंडेशन चैरिटी करता है वो 100 से 200 300 करोड़ की चैरिटी करता है उत्तराखंड सरकार को। अगर ऐसे में उसको खतरा है तो वो पेड सुरक्षा ले सकता है, सरकार से ले सकता है, प्राइवेट एजेंसियों से ले सकता है, मगर उनको ऐसी व्यवस्था दी जाना ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जी भाई जी जी, तो जाहिर है गोविंद जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है सुरक्षा को लेकर, आखिर इन इतने बड़े फाउंडेशन चलाने वाली संस्थाओं को सरकार सुरक्षा देगी, तो सवाल तो लाजमी है खड़ा होना, ये पेड सुरक्षा भी तो ले सकते हैं अपनी। निश्चित रूप से अगर उनको कहीं खतरा है तो वो सरकार से पेड सुरक्षा ले सकते हैं, वैसे खतरा होना ना चाहिए। मैं समझता हूँ साधु को ये खतरा होने लगे देश में तो उससे बड़ा आश्चर्य की बात क्या हो सकती है, और उनको इस तरह की सुरक्षा लेने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अगर इस तरह की व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है कि हमको सुरक्षा की आवश्यकता पड़े तो वो पेड सुरक्षा लें, सरकार पर अनावश्यक बोझ न बने ये कोशिश होनी चाहिए। जी अनिल जी, अनावश्यक खर्चा सुरक्षा को लेकर बताया जा रहा है, ऐसे में सवाल ये भी सामने आ रहा है कि जो संस्थाएं जेड और 22 श्रेणी की सुरक्षा ले रही हैं, सरकार इन पर इतने करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, इसकी आय कहां से होगी? फिर देखिए ऐसा है, फिर मैं कह रहा हूं कि अनावश्यक रूप से किसी को सुरक्षा, मुझे, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैंने तो सुरक्षा कार्ड ना मुझे दिया है ना मैंने लिया है, लेकिन जहां सरकार को लगता है कि किसी व्यक्ति की समाज को बहुत आवश्यकता है, समाज को उसको फायदा पहुंचता है और निश्चित रूप से उसकी जान पर खतरा है क्योंकि जो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अनिल जी, साधु सन्यासियों को किस तरह का खतरा, वो तो वैसे ही सांसारिक सुख और मोह माया छोड़ चुके हैं। देखिए साधु सन्यासी मोह माया छोड़ते हैं लेकिन साधु सन्यासियों के प्रति समाज उनको किस दिशा दृष्टि से देखता है, वो समाज को दिशा देने का काम भी करते हैं। पूरे उदाहरण के लिए गुरु वशिष्ठ से लेकर गुरु विश्वामित्र तक, चाणक्य से लेकर समाज को दिशा देने का अच्छे काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि साधु समाज के बारे में एक स्थिति बन गई है, उस साधु गड़बड़ जरूर करते होंगे लेकिन आज भी जब वो लोगों के बीच में बोलते हैं, अच्छी बात करते हैं, लोगों का जो धन है वो समाज के कामों में लगाते हैं तो अच्छे काम भी करते हैं। और निश्चित रूप से जब सरकार को लगा हुआ तो अच्छे काम करने वालों पर, कहीं आजकल को आप जानते हैं कलयुग है, बड़े चारों ओर से अच्छे काम करने वालों पर भी बड़ा उनके प्रति लोगों का रुख रहता है, तो ऐसे में सरकार को लगा होगा कि इनकी सुरक्षा जनता के हित में आवश्यक है, इसलिए सरकार ने काम किया होगा। अनावश्यक रूप से त्रिवेंद्र जी की सरकार कहीं कोई सुरक्षा नहीं दे रही है, ये आरोप सरासर गलत है, लेकिन कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की समाज को आवश्यकता है इसलिए उसको सुरक्षा देनी ही चाहिए। जी तो चर्चा में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अब सवाल तो वही खड़ा है कि आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा मुहैया किस आधार पर करवाई जा रही है साधु संत और बाबाओं को। बहरहाल जो भी हो, अगर सरकार के पास जानकारी है कि जान को खतरा है तो मुहैया करवाए सरकार। फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में इतना ही, देखते रहिए न्यूज इंडिया। We'll be right back.
हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।